नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का शानदार सा टेस्ट लेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और कम से कम इस टेस्ट में 20+ का सही जवाब देना, और वीडियो के बीच में मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, इन विच ऑफ द ईयर्स वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत का दूसरा युद्ध है, इनमें से कौन से साल हुआ था। ऑप्शन आपका 1526 है, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761 है, या ऑप्शन नंबर डी 1576। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अगर आपको याद है तो जल्दी से बताना कि पानीपत का दूसरा युद्ध है कौन से साल में हुआ था। तो देखिएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था वो आपका 1556 में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1556, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कौन से साल में हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो आपका 1576 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इंडिया सेट इज फर्स्ट सैटेलाइट इनटू स्पेस विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री, यानी कि भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में कौन सी देश की सहायता से भेजा था। ऑप्शन है आपका अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस है, या ऑप्शन नंबर डी चीन। क्वेश्चन को दोबारा समझिएगा और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रूस, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह का नाम जो था वो आपका आर्यभट्ट था, 1975 में छोड़ा गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन को। तीन नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, इन विच ऑफ रिवॉल्यूशन द स्लोगन ऑफ लिबर्टी फ्रेंडली एंड इक्विटी वाज गिवन, यानी कि इनमें से कौन सी क्रांति में स्वतंत्रता बंधुता तथा समानता का नारा दिया गया था। क्वेश्चन को दोबारा समझिएगा और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन से कौन सी क्रांति है जिसमें स्वतंत्रता बंधुता तथा समानता का नारा दिया गया था। ऑप्शन आपका फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन बी अमेरिका की क्रांति, ऑप्शन सी रूस की क्रांति, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की क्रांति, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन को। चार नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बाय विच नेम इज द समाधि ऑफ राजीव गांधी नोएडा, यानी कि राजीव गांधी की समाधि इनमें से कौन से नाम से जानी जाती है। ऑप्शन आपका महाप्रयाग घाट है, ऑप्शन नंबर सी राजघाट, ऑप्शन सी वीरभूमि, या ऑप्शन नंबर डी अभय घाट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वीरभूमि, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और राजघाट जो होता है वो आपका महात्मा गांधी का होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और अभय घाट जो होता है आपका मोरारजी देसाई का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन और पांच नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट अपॉइंट द राज्यसभा। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को नियुक्त कर सकता है। आपको बताने के राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को चुन सकते हैं। ऑप्शन चार आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी 12 सदस्य बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छह नंबर क्वेश्चन को। छह नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच ईयर वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एस्टैब्लिश्ड, यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन इनमें से कौन से साल में स्थापित किया गया था। ऑप्शन चार आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका 1949 है, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1967, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1991। अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1960, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सात नंबर क्वेश्चन को। सात नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, इन विच ईयर परमवीर चक्र वाज फॉर्मड, यानी कि किस वर्ष परमवीर चक्र का गठन किया गया था। ऑप्शन है 1949 है, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, या ऑप्शन नंबर डी 1954। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1950, जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र का गठन किया गया था, ऑप्शन बी, यानी कि यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन को। आठ नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, और यह क्वेश्चन मैं आप सभी को एनसीडब्ल्यू के तौर पर देता हूं। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन यूरोप वाज स्टार्टेड विद द एफर्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यूरोप के अंदर धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इनमें से किसके प्रयासों से हुई थी। ऑप्शन है आपका मुसोलिनी, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी हिटलर, या ऑप्शन नंबर डी मार्टिन लूथर। इसका राइट आंसर आप सभी को एचडब्ल्यू करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ नंबर क्वेश्चन की ओर। नौ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम क्या था। ऑप्शन है आपका दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन बी एम जी रनाडे, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या फिर ऑप्शन नंबर डी विमेश चंद्र बनर्जी। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी विमेश चंद्र बनर्जी, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ दस हैज द हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट, यानी कि इनमें से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है। आपको पता है कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसमें होता है। ऑप्शन है आपका कांच है,
ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी सीथा या ऑप्शन नंबर डी तांबा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को, 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTZ, यानी कि FTZ का पूरा रूप क्या होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फ्री ट्रेड जोन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, 12 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इन विच ईयर डिड क्रिस्ट मिशन कम टू इंडिया, यानी कि क्रिस्ट मिशन भारत में कौन से साल में आया था। आपको बताना है कि क्रिस्ट मिशन जो होता है वो भारत कौन से साल में आया था। ऑप्शन आपका 1940 है, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1946 या ऑप्शन नंबर डी 1947। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1942 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को, 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु एमंग द फॉलोइंग लीड द खेरा सत्याग्रह। देखो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व इनमें से किसने किया था। आपको बताना कि खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद या ऑप्शन नंबर डी भवन सिंह। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को, 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच ऑन ऑफ दस पीपल गेव द स्लोगन वन नेशन वन लीडर, यानी कि इनमें से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। आपको बताना कि इन चारों ऑप्शन में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। ऑप्शन आपका हिटलर, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी लुई सुलहवे या ऑप्शन नंबर डी लेनिन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हिटलर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को, 15 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि जर्मनी का एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने इनमें से कौन सी नीति का अनुसरण किया था। क्वेश्चन बहुत से सिलेक्टेड है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। लॉ एंड रक्त की नीति को अपनाया था, ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर, 16 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विश्व में नौ जागरण की शुरुआत इनमें से कौन से देश ने की थी। आपको बताना कि विश्व में नौ जागरण की शुरुआत इन चारों ऑप्शन में से किस देश ने किया था। ऑप्शन है इटली, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है इटली यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इटली से शुरू हुआ था और फ्रांस तक फैल गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को, 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा इनमें से कौन परिवर्तित करता है। ऑप्शन आपका सोलर सेल, ऑप्शन बी बल्ब, ऑप्शन सी सूर्य या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोलर सेल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को, 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को HW करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन इनमें से कौन से साल में किया गया था। ऑप्शन आपका 1945 है, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1972 या ऑप्शन नंबर डी 1962। इसका राइट आंसर आप सभी को HW करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द स्टेट। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ओनम त्यौहार इनमें से कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन आपका पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी केरल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को, 20 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा, यानी कि मैग्ना कार्टा इनमें से कौन से भारतीय संविधान को कहा जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर भी मौलिक कर्तव्य बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को, 21 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉल इनसाइड द अरेबियन सी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर के अंदर जाकर नहीं गिरती है। ऑप्शन आपका नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी तापती या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी गोदावरी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर, 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज कॉल्ड द बिल्डर ऑफ मॉडर्न यूरोप। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा कि आधुनिक यूरोप का निर्माता किसको कहा जाता है। ऑप्शन आपका नेपोलियन, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी गैरिबाल्डी या फिर ऑप्शन नंबर डी हिटलर। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा आधुनिक यूरोप का निर्माता जो कहा जाता है आपका नेपोलियन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को, 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि माउंट मैकिनली इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ विच कॉन्टिनेंट, यानी कि माउंट मैकिनली किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन आपका उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप या फिर ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है उत्तरी अमेरिका यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर, 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि पेरियार नेशनल पार्क इज प्रेजेंट इन विच स्टेट, यानी कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में उपस्थित है। ऑप्शन आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश
या फिर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी केरल बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन और 25 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, यानी कि वन अनुसंधान संस्था किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन आपका गुवाहाटी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी देहरादून या फिर ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी देहरादून यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास हमारे यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।